बड़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर समाज सेवी आर्य प्रहलाद साथ ही राजीव रंजन ने माल्यार्पण किया। द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान आर्य प्रहलाद ने कहा कि आज यूथ उनके सिद्धांतों को पूरी तरीके से भूल चुका है, इसलिए आज बीमारी से लेकर हर चीज उनके शरीर में समाहित है। जरूरत है योग करने का, साथ ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर उस पर कड़ी मेहनत करने का, तभी कुछ हो सकता है। आइए सुनते हैं आर्य प्रहलाद ने क्या कुछ कहा। साथ ही राजीव रंजन ने कहा कि आज देशद्रोही, आतंकवाद, ये सारे मसले खत्म हो सकते हैं अगर हम स्वामी विवेकानंद के बताए गए रास्ते और नक्शे कदम पर चले तो। जरूरत है हर स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान में उनके बताए गए मार्गदर्शनों को बुक में शामिल करके बच्चों लोगों को पढ़ाने का। आइए सुनते हैं राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। तो आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, यूथ दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सब पूरा देश मना रहा है और ज़्यादातर आप देखते होंगे सरकारी कार्यक्रम ही आयोजित किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कारण है कि विवेकानंद जी को देश के नौजवानों को जो जानना चाहिए था और जिनको जानना चाहिए था, जिन्होंने लंबे समय से आज तक जो सरकार में है, राज्य का चाहे केंद्र का, कहीं ना कहीं विवेकानंद जी को आप नहीं जानिएगा तो आप भारत को भी नहीं जानिएगा, सनातन धर्म को भी नहीं जानिएगा। और अगर इसको जानना है, जो समस्या है उसका समाधान विवेकानंद जी का विचार है, विवेकानंद जी का बताया रास्ता है। इसलिए सरकार, हम लोगों ने आज अभी प्रस्ताव पास किया है कि सिलेबस में, केंद्र और राज्य के सिलेबस में विवेकानंद जी को लाना चाहिए ताकि नौजवान अट्रैक्ट हो और नौजवान उनके बताए रास्ते पे चलेंगे तो ये भारत दुनिया का जो विश्व गुरु बनने का जो पेपर में पढ़ते रहते हैं वो तभी संभव है जब विवेकानंद को यहाँ का नौजवान जाने। आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी, स्कूल कॉलेज सब में, केंद्र से लेकर राज्य तक में, अगर आप उनको जानिएगा नहीं, ये तो दुर्भाग्य है ना, जिनका पूरा दुनिया जिसका डंका मान बजा जहाँ, और उसको क्या कारण है कि आप हम लोग को, नौजवान को नहीं बता पा रहे हैं। आज जो समस्या है देश में आप देख लीजिए, चाहे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, आपसी भाईचारा का जो आपस में जो हो रहा है, या आप जो प्रॉब्लम, नशा का प्रॉब्लम है, इस सब का समाधान है विवेकानंद जी का बताया रास्ता पे चलना, और केंद्र और राज्य सरकार इस पर ध्यान दे। जी का ये यूथ डे भी मनाया जाता है, तो आप यूथ लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से यूथ सबसे बड़ा क्या चुनौती झेल रहा है? सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि युवा है क्या। युवा का मतलब होता है वह जो समाज कल्याण के लिए कार्य करे, जो दो पीढ़ी को लेकर चले, सिर्फ उसको नहीं जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी जो जा रही है। जब तक युवा जो बीती हुई चीज़ों को समेट कर नहीं चलेगा और आने वाली चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक वो युवा पूर्ण नहीं, क्योंकि युवा के कंधे पर राष्ट्र निर्माण का भार होता है, तभी वह युवा पूर्ण होता है। और आजकल के समय में देखा जाए तो युवा धूर्त होते जा रहे हैं और नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, गलत दिशा पे जा रहे हैं। उसके लिए स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ना चाहिए, स्वामी जी ने जो कार्य किया है उससे प्रेरणा लेना चाहिए, तभी वो युवा पूर्ण हो सकते हैं। ये कैसे हो, आपको लगता है इसमें माँ बाप की बहुत अहम भूमिका है युवाओं को सुधारने में, और क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे, जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि हुए हैं, जो स्वामी हुए हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी, उसके ज्ञानों को समाज तक नहीं पहुंचाएंगे, अपने बच्चों तक नहीं बताएंगे, तब तक वो ज्ञान उसके अंदर आ ही नहीं सकता है। आज लोग कहने के पश्चात सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है क्योंकि उनके माता पिता उन ज्ञानों को नहीं दे पा रहे हैं, उन शिक्षा को, वैदिक शिक्षा तो हमारी है, वैदिक ज्ञान है, उनको नहीं दे पा रहे, इस कारण ये चीज़ें हो रही है। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है मानो विवेकानंद जी का सिद्धांत को धीरे धीरे ये समाज भूलते जा रहा है। जी, आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए जिससे फिर से उनके सिद्धांत जीवित हो? उसके लिए जैसे अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, तो नई शिक्षा नीति में ऐसे महापुरुषों के जीवनियों के बारे में बताना चाहिए और जो वैदिक ज्ञान है उसको नए शिक्षा नीति में लाना चाहिए, तभी हम लोग आने वाले समय, जो हमारे युवा पीढ़ी है, एक बार नए हम लोग अखंड भारत का जो सपना देखते हैं, भारत को विश्व गुरु का जो सपना देखते हैं, उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये विश्व गुरु का सपना, इसमें स्कूल की कैसी शिक्षा कितना अहम योगदान निभा सकता है? आज की डेट में शिक्षा ही सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो सकता है समाज को सुधारने के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही हर तरीका से युवाओं के लिए प्रेरणा का काम है। जब तक एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसको जो सिखाया जाता है वही चीज़ शिक्षा है। तो शिक्षा क्या है, न्यू है, उस न्यू को मजबूत करना है तो हमें जो राष्ट्र निर्माण के लायक जो कार्य है, समाज के लायक जो कार्य है, उन चीज़ों को जानना होगा, उससे हम तभी आगे वो युवा कुछ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकता है। आपने नींव की बात की, ये बात सही है कि नींव जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप महल नहीं खड़ा कर सकते।
आपके हिसाब से नींव मजबूत करने के लिए समाज का क्या रोल है और समाज को कैसे स्वामी विवेकानंद का जयंती किस दिन पूर्ण रूप से मनेगा कि हाँ आज जयंती है, ऐसा तो सिर्फ नाम का ही जयंती है? देखिए, समाज में तभी पूर्ण हो सकता है जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिन ज्ञानों को समाज तक दिया है, व्यक्तिगत अपने विचारों को जो रखा है, उन विचारों को अपने अंदर निहित करना चालू कर देगा व्यक्ति, तभी वो महापुरुष बन सकते हैं। पुरुष से महापुरुष बनने का एक बहुत बड़ा क्रिया है जिसको हम लोग अपना सकते हैं। आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं युवा स्वास्थ्य को लेकर भी हम देखें तो बहुत ही गंदा स्थिति है, उसके लिए हमें योग शिक्षा को अपनाना होगा। आज योग ही है जो हर किसी को बचाने का कार्य करे, आयुर्वेद को अपनाना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना होगा, तभी हम लोग राष्ट्र निर्माण और विश्वगुरु की ओर बढ़ सकते हैं।